एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्णा का बर्थडे है और हम तीनों बहुत एक्साइटेड है उनका बर्थडे मनाने के लिए। आज हम बहुत सारी तैयारियां करेंगे और अक्षत और आदित्य ने येलो भी पहना हुआ है ना। सो अभी मेरे को मिठाइयां भी बनानी है और कृष्ण जी को भी रेडी करना है। सो बहुत सारे काम करने हैं आज और फिर शाम को उनका बर्थडे मनेगा। रात को 12 बजे मनता है ना उनका बर्थडे, पता है आपको अक्की? पूरा दिन हम प्रिपरेशन करते हैं और फिर रात को 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है कृष्ण भगवान का। ठीक है, सो चलते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती रहूंगी कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करती हूँ। तुम दोनों भी मेरी हेल्प कराओगे आदित्य अक्षत? हाँ। पहले कृष्ण जी के कपड़े रेडी कर लेते हैं और फिर उनको फूलों से डेकोरेट करेंगे। आदित्य आप जब तक मंदिर डेकोरेट कर दो फूलों से, ठीक है? चलो मैं अब कृष्ण भगवान जी को रेडी कर लेती हूँ ड्रेस वगैरह पहना के। और मैंने काफी सारी तैयारी की हुई है DIY की। एक्चुअली मुझे उनकी ड्रेस ना ऑनलाइन मिली नहीं थी, सो इस चक्कर में मुझे फिर DIY करना पड़ा क्योंकि जो डिलीवरी दिखा रहा था वो लेट की दिखा रहा था। मैंने कहा कि फिर तब तक तो आ ही नहीं पाएगी ड्रेस, कोई बात नहीं, मैं पास ही की शॉप पे गई, आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे, और कुछ स्टफ लेकर आ गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं मिलते जैसे इंडिया में कपड़ों की दुकानें वगैरह होती हैं, बट मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि मैं कुछ बेस्ट कर पाऊँ। सो मैं थोड़ा सा DIY का सामान ले आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर क्या क्या बनाया। सो मैंने ये DIY करके कृष्णा जी की ड्रेस रेडी कर दी है, मुझे बस अब इसको डेकोरेट करना है। मैं कुछ ही सीक्वेंसेस भी लेकर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे लगा दूँ, सोच रही हूँ कैसे लगाऊँ इसको, ग्लू स्टिक से लगाऊँ या स्यू कर दूँ। फ्लावर मैंने डिसाइड किए कि ये वाले फ्लावर्स लगा रही हूँ मैं कृष्णा जी की ड्रेस पर। तो ये कृष्णा जी की ड्रेस रेडी हो गई है और मैं अब उनको ये गले में, मेरे पास एक राखी थी तो वो मैं एज अ नेकलेस पहना रही हूँ इनको। आप देख सकते हैं कि मेरे कृष्णा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, उन्होंने नेकलेस भी पहन लिया और उनकी ड्रेस भी DIY से मैंने रेडी कर दी है। और अब बस हम पूजा की स्टार्टिंग करते हैं, जो उनके लिए पूरा जो एक बनाते हैं एरिया उसको फूलों से सजाएंगे, उसको सुंदर सा बनाएंगे क्योंकि आज कृष्णा जी का बर्थडे है। तो मैं गार्डन में आ गई हूँ और मुझे काफी सारे फ्लावर्स तोड़ने हैं क्योंकि कृष्णा जी को डेकोरेट करना है उनके आसपास के एरिया को। और आज बारिश का मौसम हो रहा है क्योंकि कृष्णा जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन भी बारिश हुई थी, तो मुझे लग रहा है आज भी बारिश आएगी। बिल्कुल ही पूरा क्लाउडी सा हो रखा है, ब्लैक सा। चलिए हम फूल तोड़ते हैं। अच्छे लग रहे हैं ये पिंक वाले फ्लावर, इनसे डेकोरेट करेंगे कृष्णा जी का, क्योंकि UK में हर महीने फ्लावर चेंज हो जाते हैं, तो अभी इस वाले ट्री पर हमारे ज़्यादातर सुंदर से फ्लावर्स आए हुए हैं, इसलिए हम ये वाले पिंक वाले फ्लावर्स से डेकोरेट करेंगे उनको। काफी सारे हो गए हैं, कम पड़ेंगे तो मैं और आ जाऊंगी, मुझे लग रहा है हो जाएगा डेकोरेट वो एरिया। चलो। सो ये आदित्य ने कितना सुंदर मंदिर सजाया फूलों से, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। और ये ऐसे लड़ियां भी इसने लगा दी हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर ना। हाँ ऐसे फ्लावर भी बहुत प्यारे चूज करके लाए हो आप, है ना आदित्य? बहुत अच्छा किया है बेटा आपने डेकोरेट। सो अब हम कृष्ण जी की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बिठाएंगे इसके ऊपर। और ये मैंने बोर्ड रख दिया है और इसमें हम पहले कृष्णा जी को रखेंगे, ठीक, पहले फ्लावर्स रखते हैं। पहले हम फ्लावर्स रखेंगे इसमें और फिर फ्लावर्स के ऊपर हम कृष्णा जी को रखेंगे। हम इस पे कृष्णा जी को रखेंगे। अभी थोड़े से फ्लावर्स और ले आओ बेटा, मुझे कम लग रहे हैं, है ना, थोड़ा सा और यहाँ से पूरा डेकोरेट कर देती हूँ, एक एक फ्लावर और रख देती हूँ, है ना आदित्य? सो मैं थोड़े से फूल और लगा रही हूँ ताकि मेरी ये बोल है जो पूरा भर जाए और सुंदर लगेगा। इसमें इतने सारे फ्लावर्स डाल दिए है मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना, बीच में कृष्णा जी और आस पास सारे फ्लावर्स। सो ये मेरा रेडी हो गया है पूरा कृष्णा जी का सेटअप, और अब जाके मैं अंदर सारी स्वीट्स बना लेती हूँ फटाफट से। और चलो फिर अंदर चलती हूँ, किचन में जा रही हूँ स्वीट्स बनाने। सो जो आज जन्माष्टमी पर मैं सबसे पहली स्वीट बनाने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट पेड़े, और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये फटाफट से बन जाती है, तो इसकी रेसिपी मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो ये रेसिपी बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पूरा टाइम गैस को स्लो रखना है, तेज नहीं करना है। अगर हम गैस को तेज कर देंगे तो हमारा पूरा मिक्सचर बर्न हो जाएगा। सो जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल रहे हैं वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी
और इसको हम मेल्ट होने देंगे पहले। सो मेरा घी गर्म हो गया और मैंने अब इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मिल्क पाउडर और इसको ग्रेजुअली मिक्स करना है। इसको हमें ऐसे ऐसे चलाते रहना है जब तक कि ये पूरा कढ़ाई ना छोड़ दे। इसको मैं ऐसे भूनती रहूंगी। मेरा ये मिक्सचर गाढ़ा हो गया है और किनारे छोड़ने वाला है। उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डाल दूंगी ताकि वो इजीली किनारे छोड़ दे। मिक्सचर बिल्कुल थिक हो गया और इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा ना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मेरे इस डो ने किनारे छोड़ दिए हैं। बस ये ऑलमोस्ट हो गया है, एक पूरी थिक बॉल बन गया है। सो मैं अभी इस मिक्सचर को प्लेट में निकाल रही हूँ और 5 मिनट्स के लिए मैं इसको कूल डाउन होने दूंगी, फिर मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। थोड़े से ये बादाम चॉप कर लिए हैं पेड़ों को गार्निश करने के लिए। पहले इनको थोड़ा सा धो लिया, गीला कर लिया और फिर इजीली चॉप हो गए ये। तो सबसे पहले मैं अपने हैंड्स को ग्रीस करूंगी और थोड़ा सा मिक्सचर लूंगी अपने हैंड्स पर और इन्हें लड्डुओं की तरह रोल करूंगी ताकि ये पेड़े की शेप ले ले। मैं राउंड पेड़े बना रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप सिलेंडर शेप दे सकते हैं, वैसे राउंड ही अच्छे लगते हैं पेड़े। तो इन्हें अच्छे से ऐसे ऐसे रोल करना है पाम के बीच में। अभी मिक्सर बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, अगर ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर पेड़े नहीं बनेंगे, इसीलिए हल्का सा वार्म होना चाहिए मिक्सचर। रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पेड़े बनाने हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर दीजिए, सो आपको इससे ज्यादा क्वांटिटी में फिर पेड़े मिल जाएंगे। सो मेरी नेक्स्ट रेसिपी है नारियल की बर्फी। सबसे पहले मैं 1/4 कप मक्खन डाल रही हूँ कढ़ाई में और मैं पहले इसको मेल्ट होने दूंगी। सो मैं इसमें 3/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। 1 कप डालूंगी मिल्क पाउडर। इसको थोड़ा थोड़ा डाल डाल के चलाना है ताकि मिक्स भी हो जाए साथ में। और हमें इस मिल्क पाउडर को जब तक मिक्स करना है जब तक ये जो इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे सारी घुल जाए। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने 3/4 कप शुगर ली है, शुगर को भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और अब हमें इस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक होने देना है। मेरा मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया है और अब मैं इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। जो कोकोनट का चूरा होता है, चूरा किया हुआ कोकोनट, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे गाढ़ा होने तक पकाना है हमें लगातार। सो मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लूंगी और अब गाढ़ा होने तक इसको मैं पकाती रहूंगी जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल किनारे ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई से ये अलग हो गया है मिक्सचर, इसने कढ़ाई छोड़ दी है और मैं अब इस बर्तन में इसको जमाऊंगी ताकि चिपके ना मेरी बर्फी इसके ऊपर। मैं देखेगी पूरे में इसके ऑल ओवर ऐसे लगा दूंगी। मैं ये मिक्सचर जो है वो इसमें डाल रही हूँ। मैंने स्पून के पीछे थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है ताकि मैं स्मूथ कर दूं। तो मैं पिस्ताशियो कट कर रही हूँ थोड़े से ताकि मैं बर्फी को इसे डेकोरेट कर दूं। ये पिस्ते मैं अब बर्फी के ऊपर डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। सो अब हम इसको जमने के लिए रख देंगे। मैं इसको बाहर ही छोड़ूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये और अच्छे से जम जाएगी। सो मेरी स्वीट्स वगैरह रेडी हो गई है और अब मन कर रहा है कि थोड़ा बाहर जाऊं और गार्डन में घूमूं। आदित्य अक्षत तो पहले से ही गार्डन में है और बॉल के लिए रेडी और ये मारा शॉट। ओ आदित्य सैड हो गया क्योंकि उसकी बॉल पे अक्षत मार नहीं पाया शॉट। आउट करके दिखाओगे? एंड देयर गोज अ बॉल। भैया आपको ट्रबल आ रही है ना पिकअप करने के लिए? बुशकर नीचे चला गया ना। फाइनली आदित्य की बैटिंग आ गई है। आदित्य हरा दोगे? नो
गई। तो अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, चरणामृत वगैरह भी बनाना है, थोड़ी देर में पूजा भी करनी है और इनके लिए डिनर भी बनाना है, तो मैं तो अंदर आ गई हूँ। सो ये हस्बैंड आज जल्दी आ गए ऑफिस से। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अच्छा जल्दी शुरू हो गया, आ गया आज, मैं खत्म हो गया काम तो आ गया वापस। चलो अच्छा है, हमारी भी प्रिपरेशन चल रही है, मिठाई बन चुकी है, हमारी मंदिर की डेकोरेशन भी हो गई है। पहले चाय पियो मैं। हाँ ठीक है चलो आ जाओ। ओके सो मैंने ना आगे नाइफ के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया ताकि मैं बर्फी कट करूँ ना तो इजीली हो जाए। पहले मैं शेप बना लेती हूँ बर्फी की। बर्फी रेडी हो गई है और मैंने जो दोनों मिठाइयां बनाई है वो मैं आगे कृष्ण जी के सामने रख दूंगी ताकि मैं उन्हीं से ही भोग लगा लूं उनका। चलो मैं अब जोत भी रेडी कर लेती हूँ भगवान की, तो ये मैं भगवान की जोत भी जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। मैं बस चरणामृत बना के और ले आती हूँ। सो मैं चरणामृत बना रही हूँ, उसके लिए मैंने पहले मिल्क लिया है थोड़ा सा और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी दही, डालूंगी थोड़ा सा शहद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये धोके दो तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा देसी घी। तो ये पांच चीजें जाती है चरणामृत। तो ये चरणामृत भी मैं यहाँ रख देती हूँ भगवान जी के आगे। आई थिंक मैं फ्रूट लाना भूल गई, फ्रूट भी ले आती हूँ। और अब बस थोड़ी देर का वेट करना है। ये इलेक्ट्रिक कैंडल्स है ये भी लगा दी है, बैटरी से चलती है, बैटरी ऑपरेटेड है। सो ये भी सुंदर लग रही है बोल में लगी हुई ना। कृष्णा जी का बर्थडे अच्छे से मनना चाहिए। इंडिया में तो बहुत सुंदर बनता है, झांकियां बनती हैं और बच्चे कृष्णा बनते हैं, पर यहाँ पर ज्यादा एक्चुअली ऑप्शंस नहीं है। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं कृष्णा जी। टचवुड आज लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी अपनी पूरी कर ली है, बस थोड़ी देर का वेट करना है जब कृष्ण जी का जन्मदिन स्टार्ट हो जाएगा रात को 12 बजे। और बस ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है मेरी सारी प्रिपरेशन, मैंने सब कुछ बना लिया है, सब कुछ रख दिया है और अपनी तरफ से मैं जितना कर सकती थी, जितने रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल थे यूके में, वो मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरा अच्छे से जन्माष्टमी मनाऊं। सो बस अभी थोड़ी देर का और वेट करना है। जी की आरती करते हैं। 12 बज गए हैं, 12 बजे उनका जन्म हुआ था, पूरे 12 बज रहे हैं। सो हम अब आरती शुरू करते हैं। यो ध्यावे फल पावे दुख बिन, तुम बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। आगे थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आपको। हाँ ऐसे रख दो, बस भगवान जी को भोग लगा दो। ये वाला पेड़ में होगा ऐसे बोल सत्य दरबार की जय, बोल कान्हा जी की जय। रानी लागे मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे, खन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी पड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मनाई। लागे राधा रानी लागे मन करो करो जमुना जी रो पानी लागे। हैप्पी जन्माष्टमी। अब हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे भी हो गया और सारे काम हो गए हमारे,
और अब हम अपनी वीडियो को यही एंड करेंगे, और क्योंकि अब सब सोएंगे, 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब शर्मा लाइफस्टाइल इन यूके, और अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो जाइए सारी वीडियोस को देखिए। आई होप आपको ये हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट स्टे हेल्दी। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलो आदित्य। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम ये सारे पेड़ खाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? साथ में और कौन और क्या मिठाई है? ये नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी भी खाएंगे। चलो ओके बाय। चलो बाय बाय।